कृषि उपज मंडी की जो औषधि मंडी है उसमें मौजूद है, और यहाँ पर अजगंध, चिरायता और दूसरी भी और भी फसलें हैं, अश्वगंधा। तो यहाँ पर एक सर्फगंधा है जो अश्वगंधा की तरह ही दिखती है लेकिन होती दूसरी फसल है। आपको दिखा सकता हूँ, ये जो सर्फगंधा है ये अभी 54,500 रुपये बिकी है से ऊपर। और मेरे साथ ये जिसकी उपज है जो किसान वो है, पहले तो भैया नाम बताओ आपका। रघुनंदन धाकड़। अच्छा, धाकड़ साहब। हाँ। कहाँ से आए आप? दमनार से। दमनार कहाँ? मंदसौर जिला। तो ये वहाँ नहीं बिकता क्या? मंदसौर वहाँ नहीं बिकता, नीमच मंडी, औषधि फसल नीमच मंडी में बिकता है। तो क्या क्या भाव गया है? क्या 54,500, 499। तो कैसा कैसे संतुष्ट हैं आप भाव से? संतुष्ट है ना, गीला माल है। अच्छा, तो कितने साल की फसल है ये? 3 साल की फसल है। 3 साल की? 3 साल की फसल। इसके अलावा मतलब ये कितना, 2 बीघे करीब का होगा ये माल जितना? हाँ, होगा 2 बीघे करीब का होगा। तो इसमें आपने बस एक ही फसल बोई कि और भी कुछ करते रहे? और भी बो सकते हो ना, मतलब इसके इसका साथ... पौधा डेढ़ बाय डेढ़ पे लगता है, उसके बीच गैप रहती है। हाँ। शुरू साल लहसुन लगाई थी, दूसरे साल प्याज हो गया। हाँ। तीसरे साल वो अश्वगंधा पड़ी, वो हो गई। तो कुल मिला के अभी और भी बची होगी आपके पास? ये और बची ना, मतलब इसमें आपने ये सर्पगंधा भी बो दी, लहसुन भी ले ली। हाँ। और दूसरी फसलें और भी लेते गए और 3 साल बाद ये भी आ गई, ये हो गई। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो ये जो किसान थे इन्होंने बताया कि ख़ास बात ये है कि इसमें इन्होंने सर्पगंधा के साथ साथ दूसरी फसलें भी बोई कि जिससे इनका कामकाज भी चलता रहा और ये फसल अंदर ही अंदर पकती रही। अश्वगंधा की बात करें तो लगभग 38,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 12,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। नीमच एकमात्र ऐसी मंडी है प्रदेश की जहां पर सबसे ज़्यादा औषधि फसलें आती हैं, तमाम तरह की औषधि फसलें यहां बिकती है। कहा जाता है कि जो नीमच मंडी है उसमें धूल भी कोई लेके आता तो बिक जाती है।